उपस्थित हो गई हैं बड़ी हर्ष की बात है कि आज देहरादून में जो हमारा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसने इस कल्चरल प्रोग्राम को यहाँ पे इवेंट कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जैसा मुझे बताया विश्वनाथ जी ने कि ये जो हमारे जो सीमांत जनपद हैं, जो सीमांत राज्य हैं, जो आर्मी है, जहाँ पे हमारे पिछड़ापन है, वहाँ जा कर के ये कला दिखाते हैं गीत संगीत के द्वारा। और इनके गीतों और संगीतों में जो है राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रीय एकता का एक संदेश है, और जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ एक आवाज़ है। तो हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने देहरादून में आए, आपने यहाँ पर अपना कार्यक्रम किया। और निश्चित तौर पे आज जो आपने विषय कृष्ण पे लिया है, तो कृष्ण के तो जन्म से लेकर के और महाभारत तक सारी लीलाएं जो हैं वो प्रेरणा हैं, वो हमारे समाज को दिशा देती हैं, वो हमको एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने का एक संदेश देती हैं। कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो। तो कृष्ण तो हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में, हमारे मैं तो कहूँगा रग रग में बसे हुए हैं। और इससे अच्छी क्या बात हो सकती कि जितने कवियों ने उनके ऊपर कविताएं लिखी हैं उसका संग्रह करके आपने एक नाटक तैयार किया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे आशा है कि हमारे जो यहाँ पे उपस्थिति है वो आपके जो नाट्यक्रम है इसका जो है वो आनंद लेंगे। और मैं मेरी तरफ से और हमारे उत्तराखंड वासियों की तरफ से आपका बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद। ये कला इनके साथ मेरे फोटो खिंचा दी गई है। फौरन सभी कलाकार मंच पे पधारें, सभी कलाकार ग्रुप फोटोग्राफ माननीय महोदय की इच्छा है कि कलाकारों के साथ एक बार कार्यक्रम शुरू होने से पहले और उसके बाद भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है उनका ड्रामा सेल है। और जो ये कृतियाँ करते हैं जा कर के विभिन्न प्रांतों में राष्ट्रीय एकता के लिए और जो समाज में कुरीतियाँ उनके खिलाफ और मनोबल बढ़ाते हैं हमारे जवानों का और सीमांत जनपदों में जाते हैं, तो ये कलाकार जो इसमें कई कलाकार उत्तराखंड के भी हमारे हैं। और निश्चित तौर पर ये एक अच्छी पहल है सरकार की जो कि हमारे समाज को और देश को जोड़ने का काम करती है।